बोरी वाली चलोगे? एलबी कॉलोनी। हाँ बैठे। साहब गाने चला दूं क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है साहब? साहब एलबी कॉलोनी आ गई, किधर लूं? साहब साहब एलबी कॉलोनी आ गया, कहाँ लूँ? साहब साहब एलबी कॉलोनी आ गई। साहब साहब एलबी कॉलोनी आ गई। साहब साहब अरे इन्हें क्या हो गया? क्या रे क्या हुआ? साहब मेरी टैक्सी में एक पैसेंजर है, पता नहीं क्या हुआ है, बेहोश है। आप देखिए ना साहब। तेजस उतर। सर सांसें तो चल रही है। एम्बुलेंस को फोन करो तुरंत। यस सर। कहाँ से बैठे थे तुम्हारी गाड़ी में? वसई से। क्या हुआ क्या है इन्हें? मुझे पता नहीं साहब, इन्हें एलवी कॉलोनी आना था, गाड़ी में बार बार अपना सर दबा रहे थे, मुझे लगा इन्हें कुछ तो हुआ है। सर एम्बुलेंस को फोन कर दिया। कुछ सामान था इनके पास? नहीं सर। तेजस किसे था पास? यस सर। क्या रहता का है तू? वैसे सर ये सीनियर सिटीजन का कार्ड मिला है, एक नाथ तावड़े नाम है इनका, बोरोली का एड्रेस है, सिद्धेश पैराडाइज एलबी कॉलोनी। शायद वसई से अपने घर जा रहे थे। और सर इनके मोबाइल से किसी रमाकांत को लास्ट कॉल किया गया था। रमाकांत? पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाते फिर देखते। मैं जाऊँ क्या? जब तक इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता तुम कहीं नहीं जाओगे। तेजस रमाकांत का फोन ला। यस सर। पता नहीं ये कहाँ रह गया। एकनाथ कुटे हैं तू? रमाकांत जी बोल रहा हूँ। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर तेजस सोनटक्के बोल रहा हूँ। एकनाथ तावड़े हमें बेहोशी की हालत में एक टैक्सी में मिले, उन्होंने अपने मोबाइल से लास्ट कॉल आपको ही किया था। हाँ वो मेरा भाई है, मैं सिद्धेश पैराडाइज में रहता हूँ, वो मेरे घर आ रहा था। कहाँ है वो? हम उन्हें एलएनसी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हाँ मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? पुलिस को एकनाथ टैक्सी में बेहोशी की हालत में मिला, वो उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। क्या कर दिया है प्रसाद ने?
फोन ही नहीं उठा रहा है। पी के पड़ा होगा कहीं। मैं हॉस्पिटल जाता हूं। वो अभी भी बेहोश है। उनके सर में इंटरनल इंजरी है। ऐसा लगता है उनके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। अब चोट कितनी गहरी है ये तो सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक वो टैक्सी में बार बार अपना सर दबा रहे थे। जब संतान गलत रास्ते पर चल पड़े तो माता पिता के लिए उससे बड़े दुख की कोई बात नहीं होती। इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए? सब कुछ ठीक हो जाएगा इस आशा के साथ दुख को गले लगाकर, या फिर उस दुख और अपनी संतान से दूर भागकर। एकनाथ तावड़े भाग रहे थे एक ऐसी जिंदगी से डर कर, पीछा छुड़ाकर, जहां शायद उनकी अपनी जान को खतरा था। सर, सर, मैं रमाकांत तावड़े, एकनाथ तावड़े का भाई। कहाँ है वो, कैसा है? देखिए, उनका सिटी स्कैन तो हो चुका है लेकिन अब तक उन्हें होश नहीं आया। अंदरूनी चोटें, डॉक्टर का कहना है कि उनके बचने के बहुत कम चांसेस है। रमाकांत जी, क्या आप बता सकते हो उनके साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपको फोन पर कुछ बताया था? आओ आओ, तुमसा फोन है। एकनाथ, इतनी रात में? हाँ एकनाथ। रमाकांत, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतनी रात में क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस बहुत हो चुका, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन तू ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैं टैक्सी लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आजा आजा आजा। वो कौन था जिससे एकनाथ इतने डरे हुए थे? उन्हें किससे जान का खतरा था? अपने बेटे से, प्रसाद तावड़े। बस बहुत हुआ, तो पहले ही बहुत पी चुका है। वाह, बॉटल छोड़ो। अरे अपनी शक्ल तो देख, क्या आदत बना रखी है तूने। मैं तुझे और पीने नहीं दूंगा। मैं पैसों के पीता हूँ, किसी के बाप के पैसों की नहीं। बॉटल छोड़ो। अरे तू अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खराब कर रहा है। इस दारू के कारण तूने मेरे और केतकी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वाह, बॉटल छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। और बॉटल छोड़ो। बॉटल छोड़। नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ बॉटल। नहीं छोड़ूंगा। बोला था ना, बॉटल दे दो। उसके बाद एकनाथ मेरे घर आ रहा था। मैं उसके इंतजार में था कि आप लोगों का फोन आया। वो वसई में रहते हैं जी। लेकिन हमें तो उनके जेब से एक सीनियर सिटीजन का कार्ड मिला जिसमें उनका एड्रेस बोरी लिखा है। हाँ, पहले वो यहीं रहता था फैमिली के साथ, फिर वैसे शिफ्ट हो गए। वो ये केतकी कौन है? केतकी प्रसाद की मंगेतर थी। आई एम सॉरी, हम एकनाथ जी को बचा नहीं पाए। ही इज डेड। एकनाथ तावड़े को अपनी मौत के साथ साथ उस दुख भरी जिंदगी से भी निजात मिल गई थी, लेकिन उनका बेटा उस दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाया जो उसने खुद अपनाया था। अब यह सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं बल्कि मर्डर का केस बन चुका था। क्या प्रसाद इस जुर्म से बचकर निकल पाएगा? तुम जा सकते हो, तुम्हारा नाम और एड्रेस हमारे पास है, जब जरूरत पड़ेगी तब बुलवा लेंगे। ठीक है साहब। सर, ये एकनाथ का बेटा प्रसाद फोन नहीं उठा रहा, फोन स्विच ऑफ नहीं किया, रिंग हो रही है। एड्रेस लो, घर से उठा दे। जितेंद्र, तेरे बाबा नहीं रहे। कल रात प्रसाद ने उनके सर पे जोर से मारा था जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी बॉडी एलएनसी अस्पताल में रखी है। मैं समझ सकता हूँ काका, लेकिन मैं ये मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता।
वैसे भी आई और बाबा ने खुद अपना दुर्भाग्य चुना था। प्रसाद एक दुर्भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं है। ना कभी खुद चैन से जिया, ना किसी को चैन से जीने दिया। आई मेरी हाँ आले आले आंटे प्रसाद प्रसाद अजी सुनते हो जल्दी आइए जितेंद्र आई क्या हुआ काय झालं प्रसाद जी प्रसाद बेटा प्रसाद लवकर या ना इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा जितेंद्र बेटा तू कहाँ जा रहा है आई मेरे पास और भी जरूरी काम है मैं सारा दिन इसके आगे पीछे नहीं कर सकता पर मदद करूं भी तो किसकी इसकी जो खुद अपनी मदद करने को तैयार नहीं है एक तो इसे मिर्गी की बीमारी है ऊपर से इसकी दारू की लत जो ये छोड़ने को तैयार नहीं है और फिर मैं क्यों इसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करूं अभी ये सब कहने का टाइम नहीं है मैं आई हूँ इसकी तू भाई है इसका अभी इसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है बेटा आई बस बहुत हुआ आप और बाबा इसके साथ रहना चाहते हैं तो शौक से रहिए लेकिन मैं इसका ये रोज रोज का नाटक और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं और पूर्णिमा इस घर को छोड़कर जा रहे हैं आपने अब तक नाश्ता नहीं किया ऑफिस नहीं जाना है क्या क्या हुआ पूर्णिमा बाबा नहीं रहे प्रसाद ने बाबा को मार डाला क्या प्रसाद ने बाबा को आई तो उस नर्क से निकल कर चली गई पर अपने पीछे बाबा को तड़पने के लिए छोड़ गई लगता है प्रसाद के ही भाग्य है चलो आप इसी फ्लोर पे रहते हो जी ये प्रसाद तवड़े इसी फ्लैट में रहता है हाँ आपने सुबह से उसे कहीं बाहर जाते हुए देखा है उसको तो सुबह पुलिस पकड़ कर ले गई पुलिस जी तेरा बाप एकनाथ तावड़े कहाँ है बाहर गया होगा ये इसका बाप एकनाथ तावड़े पता है कहाँ गया है नहीं सर मैंने नहीं देखा अगर वो इधर आता है तो वैसे ही पुलिस स्टेशन में खबर करना जी चल पुलिस प्रसाद तावड़े को पकड़ कर ले गई और एकनाथ तावड़े को ढूंढ रही है जी सर कहाँ से आई थी ये पुलिस वैसे ही पुलिस स्टेशन से हेलो नमस्कार मैं बोरेली पुलिस स्टेशन से पीएसआई तेजस सोनटक के बात कर रहा हूँ नमस्कार आपने आज सुबह प्रसाद तावड़े को गिरफ्तार किया है हाँ हमने उसे गिरफ्तार किया है और हम उसके बाप एकनाथ तावड़े को ढूंढ रहे हैं प्रसाद को अपने बाप के बारे में कुछ नहीं मालूम है वो बोलने की हालत में नहीं है ए हवलदार थोड़ी सी पिलाना चुपचाप बैठा रहे वरना ऐसे दंडे मारूंगा ना कि सारी दारू बाहर निकल आएगी चुपचाप बैठ मिला देना यार थोड़ी सी मैं मर जाऊंगा मैं मिला दे थोड़ी सी यार उसे क्यों अरेस्ट किया गया और आप उसके पिता एकनाथ तावड़े को क्यों ढूंढ रहे हैं केतकी सालवी ने प्रसाद और एकनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है केतकी सालवी प्रसाद की मंगेतर उसने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जी हाँ केतकी और उसके पिता कल ही यहाँ आए थे बताइए घबराइए मत बताइए बात क्या है जी हमें प्रसाद तावड़े और उसके पिता एकनाथ तावड़े के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है क्या किया है दोनों ने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं आप ये प्रसाद और एकनाथ को कैसे जानती हैं प्रसाद मेरा मंगेतर था लेकिन
अब मैंने उसे अपनी मंगनी तोड़ दी है। वो आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? प्रसाद के फोन में केतकी के कुछ प्राइवेट फोटोज हैं, जिसके लिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। एकनाथ तावड़े की मौत हो चुकी है और हम उसके खून के आरोप में प्रसाद तावड़े को ढूंढ रहे हैं। देखिए, प्रसाद हमारे पास लॉकअप में है, पर वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। सर, प्रसाद वसई पुलिस की कस्टडी में है। इस वक्त वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। उसकी एक्स फियांसे केतकी, उसने प्रसाद और उसके पिता दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसका कहना है कि ये दोनों उसे उसके कुछ प्राइवेट फोटोज के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। बाप बेटे का एक लड़की को ब्लैकमेल करना और बेटे का बाप को मार डालना, ये केस है क्या? डॉक्टर साहब, केस की बॉडी को आप मॉर्ग में रखवा सकते हैं? इसका बड़ा बेटा नहीं आ रहा है और छोटे बेटे को पुलिस ने पकड़ा है। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। वो शायद प्रसाद को इसका क्रियाकर्म करने दें। ठीक है, मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। Hey, what? Hey, what? What? दारू लाए क्या? दारू नहीं, डंडा लाए। तुमने अपने बाबा को क्यों मारा? और तुम दोनों मिलकर केतकी को ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? बाबा काका के साथ है। तेरे बाबा मर चुके हैं, कल रात तूने उनके सर पे मारा था। बाबा काका के साथ बोरी बली हुआ है, उनसे सर कोई फायदा नहीं है। अब केतकी ही बता सकती है उसका ये एक्स मंगेतर उसे परेशान क्यों कर रहा था। हाँ, और ये भी कि एकनाथ उसे परेशान क्यों कर रहा था। पिता की मौत हो चुकी थी और बेटा जिसने उनकी हत्या की थी वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। प्रसाद की एक्स फियांसी केतकी ने बाप और बेटे दोनों के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट की थी। इस केस की दूसरी तरफ की कहानी भी उतनी ही दुखद और दर्द भरी थी। क्या हुआ बेटा, पुलिस स्टेशन से फोन था क्या? हाँ पापा, पुलिस ने प्रसाद को पकड़ लिया, लेकिन एकनाथ पापा वो नहीं रहे। प्रसाद ने कल रात नशे की हालत में उनके सिर पे बहुत जोर से मारा और उससे उनकी मौत हो गई। मिस्टर प्रसाद तावड़े, मैंने आपका रिज्यूमे देख लिया है। अगर आपके लायक कोई भी अच्छा जॉब होगा ना तो मैं आपको जरूर फोन करूंगी। कोई अच्छी सी जॉब ढूंढिएगा जिसमें सैलरी अच्छी हो। मिडिल ईस्ट का अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, वहाँ नौकरी की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर तो घर होता है। आई अंडरस्टैंड, मैं याद रखूँगा। आप चाहें तो भी मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। आई कॉल यू। ओके। वो ऐसा बिल्कुल नहीं था पापा, जब मैं उससे मिली थी तब वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यम्मी, मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। यू नो, जब तुम साथ होती हो ना तो सब चीज अच्छी लगती है मुझे। तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली है, बाबा रिटायर्ड हैं, आई हाउसवाइफ है और घर में भाई है भाभी। और तुम्हारी फैमिली में? मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है, हम दो ओनली चाइल्ड। तो बहुत लाड प्यार से पाला होगा। हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ मम्मी पापा? आप, मैं तुम्हें अपने आई बाबा से मिलाना चाहता हूँ, मिलोगी? अरे आई मुझे दीजिए। तुम कहाँ काम करती हो बेटा? बाबा, मैं जिनटेक कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करती हूँ एज ए रिसेप्शनिस्ट। प्रसाद कतर में काम करके आया है, कहता है वहाँ दिल नहीं लगता। यहाँ आया है और अब यहाँ नौकरी ढूंढ रहा है, कैसे संभालेगा सब कुछ?
आई, आप सब हो ना मेरे साथ, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। आई बाबा, कैसी लगी केतकी की आप? बड़ी प्यारी बच्ची है। बहुत अच्छी है बाबा। देख बेटा, मैंने आज तक तेरे किसी भी फैसले से इनकार नहीं किया है, लेकिन तूने उसे सब सच बताया है ना? कैसा सच? अपनी बीमारी के बारे में? यही कि तुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। प्रसाद ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर ये बात ज्यादा दिनों तक छुपने वाली थी ही नहीं। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। मम्मी पापा को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। प्रसाद और उसके पिता एकनाथ के खिलाफ अपनी कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? उसकी मिर्गी की बीमारी से तो मैं फिर भी लड़ सकती थी, मगर एक और बात थी जो उसने मुझे नहीं बताई थी। कौन सी बात? उसकी शराब की लत। ही वाज एन अल्कोहलिक, वो अल्कोहलिक था, और वो अपनी शराब की लत को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर भी मैंने उसे अपने दिल से अपनाया था, उसके साथ अपने आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे। मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। उसकी आई मेरी मम्मी की जैसी थी, बहुत अच्छी थी वो, मैं उनकी आखिरी घड़ी तक उनके पास ही थी। मुझे पूरी जिंदगी प्रसाद की फिक्र सताती रही, सोचती थी मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, उसके बाबा की भी उम्र हो गई है, कौन संभालेगा मेरे बेटे को? एक तो उसकी बीमारी और उसकी शराब की लत। लेकिन बेटा, प्रसाद दिल का बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ आई, लेकिन अब मुझे उसकी फिक्र नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ तू उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसे नहीं कहते आई, प्रसाद बाबा बहुत अकेले हो गए हैं। मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ। प्रसाद तुम बाबा के साथ बोरीवली शिफ्ट हो जाओ, देखो वहां रमाकांत काका भी रहते हैं, तो बाबा अकेला महसूस नहीं करेंगे। अब मैं भी रोज आ सकती हूँ मिलने के लिए ऑफिस के बाद। पहले हम वहीं रहते थे, लेकिन वहां के खर्चे हम झेल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वैसे ही शिफ्ट हुए। अब वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता। आई के जाने के बाद प्रसाद पूरी तरह से शराब में डूब गया। बाबा ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उस पर किसी भी बात का असर ही नहीं होता था। पहले उसने अपने घर के सारे पैसे शराब की लत में उड़ा दिए, और फिर उसने मुझे भी पैसों के लिए। हेलो, जिंटैक कंसल्टेंसी सर्विसेज, यस, आप मुझे अपना रिज्यूमे मेल कर दीजिए, आई विल रिस्पोंड बैक। ईमेल एड्रेस है ketki21@zintac.com। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे पैसे चाहिए। कैन आई जस्ट कॉल यू बैक इन सम टाइम? या आई विल गेट बैक, या थैंक यू। प्रसाद तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देखो तुम घर जाओ, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। मुझे आई की बहुत याद आ रही है, सर फटा जा रहा है मेरा, मुझे पैसे चाहिए दारू। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस तरह तुम्हारी और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देती। देख, मैं यहाँ पैसे मांगने आया हूँ, तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया। पैसे दे रही है नहीं? बेटा मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कभी सुधरने वाला नहीं है बेटा। अगर तुमने ये शादी कर भी ली ना, तो उसके जैसे इंसान के साथ तुम कब तक रिश्ता निभा पाओगी? मुझे एकनाथ बाबा की भी उतनी ही फिक्र थी।
एक तरफ तो वो अपने अकेलेपन से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अपने बेटे की हरकतों से। एक दिन मुझे उन्होंने बुलाकर बोला, बाबा चाहे बैठ बेटा। तुम्हें याद है बेटा जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा अब मेरे बेटे का घर बस जाएगा, पर अब मेरे बेटे की खुशी से भी ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। बाबा मुझे लगा था कि प्रसाद सुधर जाएंगे और अभी भी ऐसा ही लगता है। यही उम्मीद तो मैंने और प्रसाद क्या ही ने लगाई थी। वो काम के लिए जब बाहर चला गया तब ऐसा लगा शायद अब कुछ बदल जाएगा, पर नहीं, वहां का काम छोड़कर वो वापस यहां चला आया। यहां आने के बाद वो खूब दारू पीने लगा, कोई भी काम वो ठीक तरह से नहीं कर पाता था। फिर तू उम्मीद की किरत बनकर आई, पर सच कहता हूं बेटा, मेरे प्रसाद के साथ तू खुश नहीं रह पाएगी। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है तू। तू मेरे बेटी जैसी है। मैं नहीं चाहता जो हमें सहना पड़ा वो सब तुम्हें सहना पड़े। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा था। आपकी बातों से ये नहीं लगता कि आपको एकनाथ के खिलाफ कोई शिकायत थी, फिर आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाई? आपकी बातों से ये नहीं लगता कि आपको एकनाथ के खिलाफ कोई शिकायत थी, फिर आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाई? केतकी को हमेशा यही लगता रहा कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन एक दिन उसकी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। अब वो इस दुख से बाहर निकलना चाहती थी, एक नई जिंदगी को गले लगाना चाहती थी, लेकिन शायद ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। पापा, मैंने फैसला कर लिया, मैं प्रसाद के साथ अपनी मंगनी तोड़ रही हूँ। ये फैसला तो तुझे बहुत ही पहले ले लेना चाहिए था। तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। प्रसाद, मुझे बार बार फोन करके तंग मत किया करो, हमारा रिश्ता टूट चुका है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे अकेला छोड़ दो। वो मुझसे कह रही है कि मुझसे शादी नहीं करेगी। बेटा वो बिल्कुल सही कह रही है। अब मेरे बाबा हो गया उसके। तेरे इस मिर्गी का कोई तो इलाज है, पर जिस लत को लगाए तो घूम रहा है ना, उसका कोई इलाज नहीं बेटा। प्रसाद और मैं 2 साल तक साथ में थे और इस दौरान हम दोनों बहुत करीब आ चुके थे, इतने करीब जितना हमें शादी के पहले नहीं आना चाहिए था। प्रसाद के फोन में मेरे कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं। नमस्ते बाबा। मुझे पता था तू बाबा का फोन जरूर उठाएगी। प्रसाद क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 5 लाख। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, लेकिन तुझे जरूर पागल कर दूंगा अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो। तुझे याद है मैंने तेरे फोटो क्लिक किए थे? पैसे नहीं मिले ना तो वो फोटो इंटरनेट पे होंगे और उनकी एक एक कॉपी तेरे माँ बाप के पास। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर तूने मुझे फोन नहीं किया शाम तक और पैसे देने का वादा नहीं किया तो ये पिक्चर्स तेरे माँ बाप तक पहुंच जाएंगे। मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बता सकती थी और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे जिन्हें देखकर मैं वो फोटोग्राफ्स डिलीट करवा सकूं। मैं थोड़े थोड़े करके उसको पैसे देती रही और उसके हाथों घुटती रही। जब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा तो फिर हार कर मैंने हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी?
का है, से 2 लाख है। प्रसाद वो फोटोज डिलीट कर दो। मैंने 5 लाख मांगे थे। प्रसाद प्लीज, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। जो तुमने तोड़ दिया वही तो नहीं भूल पा रहा हूँ मैं। 5 लाख दे दो और मैं फोटो डिलीट कर दूंगा, बाकी के पैसों का इंतजार करूंगा। वो जानता था कि मैं उसका फोन कभी नहीं उठाऊंगी और इसीलिए वो मुझे हर बार बाबा के फोन से फोन किया करता था। और फिर एक दिन हम लोगों ने फैसला लिया कि मुझे सिर्फ इसी बात का डर था कि जब आप दोनों को इस बात का पता चलेगा तो आप दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। अब जब आप दोनों मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का भी डर नहीं, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पुलिस कंप्लेन करनी, फिर हमने पुलिस में कंप्लेन कराई। मुझे एकनाथ बाबा से तो कभी कोई शिकायत थी ही नहीं, उनका नाम तो इसलिए आ गया क्योंकि प्रसाद मुझे उनके फोन से फोन किया करता था। एकनाथ की बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी है, उसका बड़ा बेटा उसके क्रियाकर्म के लिए आ नहीं सकता। एक प्रसाद ही है जो उसके चिता को अग्नि दे सकता है। देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन प्रसाद इस हालत में है ही नहीं कि वो क्रियाकर्म के लिए आ सके, वो नशे में धुत पड़ा है। एकनाथ की मौत हो चुकी थी और उनका बेटा लॉकअप में बंद था। क्या सच में उसके पास ऐसी कोई फोटोज थी जिसकी वजह से वो केतकी को धमकी दे रहा था? वो सारे फोटोज कहाँ हैं? हमने तेरा मोबाइल चेक किया है, उसमें एक भी फोटो नहीं है। तुमने अपने बाबा को क्यों मारा और वो सारे फोटोज कहाँ हैं बता? थोड़ी सी दारू दे दो, जो पूछोगे वो सब बताऊंगा। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो दारू पिलाओगे ना? वो सारे फोटोज कहाँ हैं? बता सारे फोटोज कहाँ हैं? बताता हूँ। सारे फोटो मेरे पास ही थे, लेकिन उसके बदले मुझे पैसे चाहिए थे। उसने दिए पैसे 2 लाख, लेकिन देखिए मुझे और पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे, दारू पीने के, घर के सारे पैसे आई की बीमारी में खर्च हो गए थे। केतकी से मैं बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। क्या करता, धमकाया उसे, बहुत धमका, तब कहीं जाके उसने मुझे पैसे दिए। मैं घर पहुंच के दारू पीना शुरू ही किया था कि बाबा आ गए। बस बहुत हुआ, तो पहले ही बहुत पी चुका है। मैं पैसों के पीता हूँ, किसी के बाप के पैसों की नहीं। बाहर छोड़ो। अरे तू अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खराब कर रहा है, इस दारू के कारण तूने मेरे और केतकी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं बार बार उनसे कहता रहा, मुझे पीने दो, मुझे पीने दो, पर वो नहीं माने साहब। आओ बॉटल छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। आओ बॉटल छोड़ो। बॉटल छोड़। नहीं छोड़ूंगा मैं। बॉटल दे दो। मैंने मारा बाबा को जोर से सर पर, सब बाबा का है। काका के पास है क्या? मर चुके हैं। नहीं साहब, मेरी आई मर चुकी है। तुमने अपने हाथों से अपने बाबा को मार डाला। केतकी के फोटो का है? वो तो मैंने तभी डिलीट कर दिए थे। मुझे तो बस पैसे चाहिए थे,
ताकि मैं शराब पी सकूं। मैंने सब कुछ बता दिया, थोड़ी दारू पिला दो। अरे थोड़ी सी दारू साहब, थोड़ी सी दारू पिला दो साहब। सर प्रसाद बच नहीं सका, उसे फेटल अटैक आया था। प्रसाद की मौत के बाद उस पर लगे दोनों चार्जेस हटा दिए गए। केतकी के हैरेसमेंट की और एकनाथ तावड़े की हत्या की फाइल्स बंद कर दी गईं। सबने जो कठिन वक्त देखा उसका बहुत ही दुखद अंत हुआ। पर अगर हालात को दूसरे तरीके से संभाला जाता तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता? ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम पीछे मुड़कर ये जरूर सोचते हैं कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए था, ऐसा क्या किया जाना चाहिए था कि बात यहां तक ना पहुंचती। जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर निकल पड़ता है तो माता पिता के लिए आसान नहीं होता उसे वापस सही रास्ते पर लेकर आना। बहुत मुश्किल होता है उस इंसान को यह समझा पाना कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास ना हो और वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। पर इसके साथ ही उस इंसान के करीबी लोगों को भी यह समझना होगा कि वो किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं बना सकते जो कि उसने खुद पाला है, वरना उन्हें दर्द के अलावा और कुछ नसीब नहीं होगा। किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ते पर लाने की कोशिश के साथ साथ हमें भी इस बात से सतर्क रहना होगा कि कहीं उसका दुख हमें कमजोर ना बना दे, क्योंकि दर्द को झेलना भी अपने आप में एक दुखद अनुभव है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.